नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। दिन की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार बुधवार को नैनीताल पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान सबसे पहले DGP अभिनव कुमार ने मानन्या देवी के दर्शन किए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए DGP ने बताया वो 3 दिवसीय कुमाऊं भ्रमण पर हैं। भ्रमण के दौरान कुमाऊं के 4 जिलों के पुलिस अधिकारियों से अलग अलग मुलाकात कर अपराध की समीक्षा करेंगे। साथ ही बीते समय में पुलिस विभाग में हुए विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। DGP अभिनव कुमार ने कहा, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं जानने के लिए पुलिस सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जहां सभी लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, कुमाऊं का ये क्षेत्र पर्यटन, तीर्थाटन और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। मसवासी क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे हल्द्वानी निवासी युवक को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। आपको बता दें, सूचना मिलने पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से प्रेमी प्रेमिका का निकाह करा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी निवासी युवक चौकी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती से फोन पर बातचीत के दौरान प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया और युवक अक्सर मौका मिलने पर अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव जाता था। बता दें, शनिवार की देर रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान युवती के परिजनों को आहट हुई और उन्होंने युवक को पकड़ लिया और लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे कोतवाली ले जाया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। बता दें, आखिरकार पंचायत के जरिए और आपसी सहमति से दोनों का निकाह करा दिया गया और इस तरह ये मामला सुलझ गया। अल्मोड़ा के SSP देवेंद्र पिंचा ने जिले में मौजूद सभी थाना और चौकी प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंटों में संबंधित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, SSP के आदेशों के अनुपालना के क्रम में CEO अल्मोड़ा रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष भतरौज खान सुशील कुमार के नेतृत्व में भतरौज खान पुलिस टीम ने NI एक्ट से संबंधित अभियुक्त काशीपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले मोहम्मद इलियास को काशीपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित भूरा रानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने शरेआम गोलियां चलाई। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश पहले भी इलाके में गोलीकांड की घटना को अंजाम दे चुके हैं और इनके खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज है। उसके बावजूद पुलिस इन अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के गाडोवली गांव में मां बेटियों और दामाद द्वारा अपने रिश्तेदार के घर पर कब्जा करने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मां बेटियों ने पहले पीड़ित पक्ष से झगड़ा किया और फिर खुद को पीड़ित साबित करने के लिए अपने सिर में ईंट मारकर खून निकाल लिया। आपको बता दें, इस घटना का वीडियो प्रत्यक्षदर्शियों के कैमरे में कैद हो गया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां बेटियों और दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पथरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया, अमजद अली की तहरीर के आधार पर आरोपी मीना, अमीर फतिमा, अनीशा फतिमा, मुश्ताक और इश्तियाक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 30 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। बता दें, देहरादून में कई दिनों से चटक धूप के चलते सितंबर में पिछले कई सालों के तापमान का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन बुधवार को मौसम ने करवट बदली और बादल छाने के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।